अब हम लोग चलेंगे फर्दर जो बाकी कुछ ब्लॉक्स हैं जिसके बारे में मैं पूछना चाह रही थी. अभी मैंने रिसेंटली विजिट किया टेरेस अपार्टमेंट्स को, मैं उनके बारे में बात करना चाह रही थी. आई वांटेड टू नो कि उसका क्या क्राइटेरिया है बुकिंग का और वहाँ पर क्या चल रहा है, एंड ओवरऑल कुछ इस तरह की चीज़ें मैं पूछना चाहूँगी. सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि मैंने भी टेरेस अपार्टमेंट्स देखे और मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब आप लोगों ने वो अनाउंस किए थे उसके बाद ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ एंड बहुत जल्दी वहाँ पर काम हुआ है. तो और वहाँ पे जो है उसके अलावा मॉडल अपार्टमेंट भी रेडी हो चुका है. तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि वहाँ पर अगर कोई बुकिंग करवाना चाहता है तो उससे क्या करें. मारिया, मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि जो टेरेस अपार्टमेंट्स हैं बेसिकली हमने उसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको लॉन्च किया, राइट. ठीक है. उसकी रीज़न ये कि हाई राइज में सबसे ज़्यादा एक जो क्लाइंट का होता है डर होता है, एक जो खौफ होता है हमारे अंदर, वो ये होता है कि 4 ईयर्स का पेमेंट प्लान है, 3 ईयर्स का पेमेंट प्लान है, अभी ऑन ग्राउंड काम शुरू नहीं हुआ होता तो उसमें थोड़े से एक होता है कि पता नहीं कब डिलीवर होगा, 3 साल में डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे, 4 साल में डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे. तो उस एक चीज़ को, उस एक डाउट को ख़त्म करने के लिए हमने पहले उसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद हमने उसको लॉन्च किया. हमारे टेरेस अपार्टमेंट की जो प्राइजेज हैं वो 24,000 पर स्क्वायर फीट हैं और उसमें ये है कि हमारे पास 2 बेडरूम और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं और बहुत लिमिटेड क्वान्टिटी, आपने देखा होगा कि 5 फ्लोर्स हैं और बहुत कम अपार्टमेंट्स हैं और टोटली रेजिडेंशियल हमने इनको रखा हुआ है. अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है वो आके देख सकते हैं कि वहाँ पर मॉडल अपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी तैयार है. और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमने रखी है वो ये है कि आपने 25% डाउन पेमेंट से अपनी बुकिंग करवाई, 75% पे यू विल गेट पोजेशन, राइट. अगर आपको पोजेशन नहीं मिला तो रिमेनिंग आपने पेमेंट नहीं जमा करवानी जब तक कि आपको पोजेशन नहीं मिल जाता. दैट मीन्स यू आर सिक्योर, वी आर नॉट टेकिंग मनी अनटिल हम आपको पोजेशन हैंड ओवर नहीं कर देते. 75% पे व्हेन यू विल गेट द पोजेशन तब उसके बाद आप उसको 100% कंप्लीट करोगे. तो वो जो एक डाउट एक आ जाता है ना कि पोजेशन नहीं मिलेगा, डिलीवर नहीं होगा, वो एक डाउट वहाँ पर ख़त्म हो जाता है मेरे ख्याल में. 100% कमिंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, ओवरसीज़ के कुछ कमर्शल्स हैं जो मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करना चाह रही थी. आई वॉन्टेड टू आस्क यू अबाउट द ओवरसीज़ कमर्शल्स, उसका इस टाइम पर बुकिंग चल रही है, क्या डिटेल्स हैं, लेट द व्यूअर्स नो अबाउट इट एज़ वेल. हमारी ओवरसीज़ कमर्शल जो है बेसिकली वो हमारे 5 मरला के कमर्शल प्लॉट्स हैं जो कि ओवरसीज़ और जे ब्लॉक के दरमियान में आ रहे हैं हमारे. और उसमें मैं बताती चलूँ कि उसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम के अंदर ही उसके ऊपर हमने पोजीशन ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया. तो अगर कोई मेंबर जिसने ऑलरेडी ओवरसीज कमर्शियल का प्लॉट बुक करवाया हुआ है वो अपनी 100% पेमेंट क्लियर करके दैट पर्सन कैन गेट पोजीशन एंड स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है. और अगर कोई आज आना चाहता है, अभी प्लॉट अपना बुक करवाना चाहता है, वो अभी अपने प्लॉट को बुक करके अगर वो 100% क्लियर करता है दैट पर्सन कैन गेट द पोजीशन. तो आप मेरे ख्याल में ओवरसीज कमर्शियल जो था ना वो जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और जो थोड़ा सा अप टू डेट है विद द मार्केट उनको पता होगा कि हमने कुछ अर्सा पहले ही इसको लॉन्च किया था और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर हमने इसको डिलीवर भी कर दिया और वहाँ पर मेरे ख्याल में 3 से 4 प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू भी हो चुके हुए हैं. सी ये चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहती थी रिगार्डिंग जे ब्लॉक ओवरसीज. उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट क्वेश्चन कोई भी हमारा ऐसा क्लाइंट हो जो कहता है कि मुझे जो है जो पहले से जहाँ पे लोग रह रहे हैं जैसे ए ब्लॉक है और वहाँ पे आप लोगों को अगर आप लोगों ने विजिट किया है पार्क व्यू सिटी, अगर आप लोग पार्क व्यू सिटी के बारे में ज़रा ज़्यादा जानते हैं, आप लोग ये ऑलरेडी जानते होंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया है. तो वो वाले जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पर प्रॉपर लिविंग इस टाइम पे है, लोग रह रहे हैं वो वाले, उन ब्लॉक्स में से अगर किसी ब्लॉक में लेट्स सपोज हमारा कोई भी व्यूअर जो है वो चाहे कि मैं वहाँ पर डायरेक्टली जाऊँ और बस उसी किसी ब्लॉक में जहाँ पर थोड़ी बहुत आबादी में वहाँ पर ले लूँ, तो क्या वो हमारे पास अवेलेबल है इस टाइम पर? हमारे पास ए बी ब्लॉक और एच ब्लॉक में इस वक्त जो है फैमिलीज रहना शुरू हो चुकी हैं, उसमें हमारे पास अभी प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है लेकिन उनके बिल्कुल साथ एफ ब्लॉक है, ए बी ब्लॉक के बिल्कुल साथ एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है. मीन्स जब तक मैं अगर पोजेशन लेके अपना घर शुरू करूँगी तब तक जो घर शुरू है वो कम्प्लीट हो चुके होंगे और लोग वहाँ पर शिफ्ट हो चुके होंगे. तो मेरे ख्याल में एफ इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन, जे इज़ बेस्ट ऑप्शन क्योंकि जे पे मार्च में अगर हम पोजेशन हैंड ओवर जैसे करते हैं तो बहुत से लोग हैं क्योंकि जे मोस्टली यूज़र ने लिया हुआ है, यूज़र पास है बिल्कुल, और ये वो लोग हैं जो कि पोजीशन का वेट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने घर बनाने हैं. तो जे ब्लॉक उसमें शामिल है, जे ब्लॉक में वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एफ ब्लॉक में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं. ए बी ब्लॉक और एच ब्लॉक में अभी हमारे पास ऐसे अच्छी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है लेकिन अगर किसी के फंड्स हैं और वो 1 कैनाल एंड 2 कैनाल में आना चाहता है तो ओबियसली हमारे पास ई और डी ब्लॉक जो है उनमें अच्छी इन्वेंट्री अवेलेबल है. वहाँ पर 25% डाउन पेमेंट के साथ मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करती हूँ
कि 25% डाउन पेमेंट के साथ दे कैन गेट टू द पोजीशन और साथ साथ घर बनाना, जो कि वन किनाल दो किनाल मेरे और आप जैसे लोग नहीं ले सकते। हमारे कौन लेगा, बिजनेसमैन लेगा। बिजनेसमैन कभी भी एकदम बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से मोस्टली घर बनाने से रह जाते हैं कि इतने सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट नहीं करने। तो उन लोगों के लिए जो कि बिजनेसमैन हैं, जो कि एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, घर बनाने के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपने इजीली इंस्टॉलमेंट में पैसे देने और साथ साथ अपने घर की कंस्ट्रक्शन करते जाना है। बिल्कुल व्यूअर्स, एक चीज़ और मैं स्पेशली हमारे जो वो क्लाइंट्स जो आजकल के दिनों में असल में कोई भी फील्ड होती है उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता है आजकल ओवरऑल जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है। मुझे मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, दे टेल मी कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस्लामाबाद में, करना चाहते हैं हम लोग अपना वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, सीडीए सेक्टर में कहीं पे कुछ लेना चाहते हैं, या तो हमारे बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है, और अगर हमारे रेंज में भी है तो हमें डर रहता है कि हमें क्या हम क्या ये प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट इस काबिल है कि हम उसको क्रेडिबल समझें या उसमें इन्वेस्ट करें। एंड इफ़ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सीरियस सेक्टर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको मैं समझती हूँ कि इट्स कम्प्लीटली क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी, दैट इज़ पार्क्यू सिटी। इट इज़ सीरिय प्रूफ्ड, और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में यहाँ पर कॉन्टेंट बनाना चाह रही हूँ, और मैंने बनाया इसीलिए ताकि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जहाँ जो रहना चाहते हैं पुरसकून जगह पर रहना चाहते हैं, इस्लामाबाद में रहना चाहते हैं, पार्कव्यू सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। फिर हमारे वो वाले जो व्यूअर्स हैं जो डिफरेंट शहरों में रहते हैं, हो सकता है आप कराची में रहते हों, लाहौर में, कोयटा में, कहीं भी आप रहते हैं और आप लोग इस्लामाबाद में सीरियस सेक्टर में रहना चाहते हैं और आप ये जानते हैं कि बहुत ओवर प्राइस्ड है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको वो इन्वायरमेंट मिले, आपको वो पुरसकून माहौल मिल सके, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल सके, आपको वो सिक्योरिटी मिल सके, आपको स्कूल्स मिल सकें, वो तमाम चीज़ें आपको पार्कव्यू सिटी दे रहा है। और वो आप लोग जो है इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ड्रोन शॉट्स हम लोगों ने लिए, बहुत कुछ यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, चाहे आप लोगों ने आगे जाके उसको सेल आउट करना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस हो, चाहे अपने लिए अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हो, पार्कव्यू सिटी इज़ द आंसर फॉर यू, इट इज़ द राइट आंसर फॉर यू एंड इट इज़ कम्प्लीटली रिकमेंडेड। और मैं अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी इन फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने लेना है तो यू शुड कम टू पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी और जो चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी वो आप लोगों तक पहुंच गई हैं। थैंक यू सो मच इन दिस वीडियो फॉर जॉइनिंग मी। आप लोग जो है फर्दर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। ठीक है, नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगेन फॉर एनी कंसल्टेशन सर्विसेज आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। हम लोग मिलते हैं अगली दफ़ा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।